दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ बाइसेप्स ट्राइसेप्स वर्कआउट। इसमें सारे सुपरसेट होंगे। पहली एक्सरसाइज होगी बाइसेप्स की और फिर बिना रेस्ट किए बैक टू बैक उसके बाद एक्सरसाइज होगी ट्राइसेप्स की। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर 1 बारबल कर्ल। दोस्तों पहली एक्सरसाइज है बारबल कर्ल। इसमें इस तरह से आपने बारबल कर्ल लगानी है, खड़े होकर बैक सीधी हो और आपको पता है कैसे लगानी है। ऊपर अच्छी तरह से बाइसेप्स को स्क्वीज ज़रूर करें और नीचे अच्छी तरह स्ट्रेच ज़रूर करें। तो इसी सुपर सेट के बाद दूसरी एक्सरसाइज होगी ट्राइसेप्स रो पुश डाउन। दोस्तों ये भी ट्राइसेप्स की कटिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसे आपने रोप पे परफॉर्म करनी है। तो इस एक्सरसाइज के आपने 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं 12, 10, 8। मतलब पहले बारबल कर्ल के 12 रैप, फिर बिना रेस्ट किए ट्राइसेप्स रोप पुश डाउन के 12 रैप। इसी तरह 3 सेट लगाएं, रेपिटेशन 12, 10, 8 ही रखें। एक्सरसाइज नंबर 2। दोस्तों ये भी एक सुपर सेट होगा जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी प्रीचर कर्ल। दोस्तों इसमें आपने इजी बार का इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी पूरी बॉडी लॉक हो जाती है, चीट का कोई चांस नहीं होता, सिर्फ आपके जो बाइसेप्स हैं उस पर ही काम होता है। और इसी सुपर सेट के बाद दूसरी एक्सरसाइज होगी केबल ओवरहेड एक्सटेंशन। दोस्तों ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसे ट्राइसेप्स क्या है पूरा खींचता है और जिस वजह से ट्राइसेप्स का साइज बड़ा बनता है। तो इस सुपर सेट के भी आपने 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन 12, 10, 8 ही रखने हैं। मतलब पहले प्रीचर कर्ल के 12 रैप, फिर बिना रेस्ट किए केबल ओवरहेड एक्सटेंशन के 12 रैप। इसी तरह 3 सेट लगाएं, रेपिटेशन 12, 10, 8 ही रखें। एक्सरसाइज नंबर 3। दोस्तों ये भी एक सुपर सेट होगा जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन डंबल कर्ल। दोस्तों ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें भी आपकी पूरी बॉडी लॉक हो जाती है, आप जो है स्विंग नहीं कर सकते। इससे क्या है कि बाइसेप बड़ा बनता है। जब आप इसमें डंबल को नीचे लेके जाते हो तो पूरा अच्छी तरह नीचे स्ट्रेच करें। आप ज़्यादा स्ट्रेच कर पाओगे, आप बॉडी के पीछे लेके जा पाओगे, तो उससे आपके बाइसेप्स बड़े बनेंगे। और इसी सुपर सेट के बाद दूसरी एक्सरसाइज है स्कल क्रशर। ये भी ट्राइसेप्स का साइज बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें इजी बार का इस्तेमाल करें। इसमें अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे मोड़ के रखें ताकि जब आप बार को पीछे लेके जाएं तो अच्छी तरह से आपके ट्राइसेप्स स्ट्रेच हो पाएं। इसमें आपने सर के पीछे तक बार लेके जानी है। अगर आपके हाथ सीधे होंगे तो आपके जो हाथ हैं वो सर के पीछे नहीं जा पाएंगे, माथे तक ही आएंगे। तो अपने हाथों को अपनी जो आपने जो बार लेके जानी है वो अपने सर के पीछे लेके जानी है ताकि ट्राइसेप्स अच्छी तरह स्ट्रेच हो सकें। तो इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन 12, 10, 8 ही रखने हैं। मतलब पहले इंक्लाइन डंबल कर्ल के 12 रैप, फिर बिना रेस्ट किए स्कल क्रशर के 12 रैप। इसी तरह 3 सेट लगाएं, रेपिटेशन 12, 10, 8 ही रखें। एक्सरसाइज नंबर 4। दोस्तों ये भी एक सुपर सेट होगा जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी हैमर कर्ल। ये आउटर बाइसेप्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बाइसेप्स जोड़े बनते हैं। इसे आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और इसे आप बैठ कर भी कर सकते हैं। और इसी सुपरसेट में दूसरी एक्सरसाइज होगी डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। ये भी ट्राइसेप्स का साइज बड़ा करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें भी जब डंबल को पीछे नीचे लेके जाएं तो अच्छी तरह ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करें और ऊपर लेके आएं तो अच्छी तरह स्क्वीज करें। इसमें भी जब आप नीचे डंबल लेके जाते हो ट्राइसेप्स स्ट्रेच होता है तो ट्राइसेप्स का साइज बड़ा होता है। तो इस सुपर सेट के भी आपने 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन 12, 10, 8 ही रखने हैं। मतलब पहले हैमर कर्ल के 12 रैप, बिना रेस्ट के डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन के 12 रैप। इसी तरह 3 सेट लगाएं, रेपिटेशन 12, 10 और 8 ही रखें। एक्सरसाइज नंबर 5। दोस्तों ये भी एक सुपर सेट होगा जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी कंसंट्रेशन कर्ल। दोस्तों ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बाइसेप्स के पीक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बाइसेप्स का अंडा निकलता है। इसमें जब डंबल को ऊपर आना है तो डंबल को हल्का सा अंदर की तरफ टर्न करें। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बाइसेप्स का पीक बनता है, उससे क्या होगा कि आपके जो बाइसेप्स में कॉन्ट्रेक्शन है वो अच्छा बनेगा। तो इसी सुपर सेट के बाद दूसरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स पुश डाउन। दोस्तों इसमें पहले हमने एक्सरसाइज करी थी रोप पुश डाउन, उसमें रोप का इस्तेमाल किया था। इसमें आपने इस बार का इस्तेमाल करना है। इसमें भी पूरा बार को नीचे लेके जाएं, ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्क्वीज करें, वो ऊपर लेके आएं तो पूरा लेके आएं और ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें। तो इस सुपर सेट के भी आपने 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं 12, 10 और 8 ही। मतलब पहले कंसंट्रेशन कर्ल के 12 रैप, फिर बिना रेस्ट किए ट्राइसेप्स पुश डाउन के 12 रैप। इसी तरह 3 सेट लगाएं, रेपिटेशन 12, 10 और 8 ही रखें। तो दोस्तों ये था बाइसेप्स ट्राइसेप्स वर्कआउट। बहुत अच्छा वर्कआउट प्लान है, आप इस वर्क प्लान को 3 महीने तक फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिस दिन आप ये वर्कआउट करोगे बहुत ज़्यादा मजा आएगा, अमेजिंग पंप आएगा, आप एक बार ट्राई करके जरूर देखें। दोस्तों ये थी वीडियो बाइसेप्स ट्राइसेप्स वर्कआउट पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए वर्कआउट के साथ, नई जानकारी के साथ। जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।